हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का IBS ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 12th का जो पहला लेसन है सॉल्यूशंस, आज हम लोग सॉल्यूशंस की बातें करेंगे। सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर्स को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, और सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की मात्रा जो है कह सकते हैं वो कम रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे 25 ग्राम सॉल्ट ले लें और इसमें 100 ग्राम वाटर डाल दें, 125 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें जो 25 ग्राम सॉल्ट है इसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जो 100 ग्राम वाटर है इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जनरली सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है प्रेजेंट रहते हैं, और किसी सॉल्यूशंस का हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस निकालते हैं। सॉल्यूशंस का जो कॉन्सेंट्रेशंस होता है, इस कॉन्सेंट्रेशंस को हम लोग नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शंस के रूप में डिनोट करते हैं। मास फ्रैक्शंस के रूप में डिनोट करते हैं। अब इसमें देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी का मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें नाम आया एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये कैसे निकालेंगे? ये जनरली W/E, अभी इसको बता रहे हैं हम लोग। पहले नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन की बात करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। एक्चुअली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं W/E से। W क्या होता है? W को वेट ऑफ द सब्सटेंस बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस का वेट, और वो भी ग्राम में रहना चाहिए, और ई जो है उसका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, इसके रेशियो को ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। तो सिंपली नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन क्या होगा? एट यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। मतलब एक लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट पार्टिकल के जितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं वही उस सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी कहलाती है, और इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन इसकी यूनिट जो होगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मेलिटी हो गया। इसके बाद मोलरिटी की बात कर लें, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस लीटर में। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में एक हो तो कैपिटल एम की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। अब यही इसका डिफिनेशन होता है। दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंटेड इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी। माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब इसके बाद मोलेरिटी की बात करें, मोलेरिटी, मोलेरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यदि ये वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में यदि एक हो जाए तो स्मॉल एम की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड इन वन केजी ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक केजी जो है यदि सॉल्वेंट हो उसमें किसी सॉल्यूट पार्टिकल के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं वही उस सॉल्यूशंस की मोलिलिटी कहलाती है, और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। मोल फ्रैक्शन ये क्या होता है? यदि एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, आपस में मिलकर के सॉल्यूशन बनाए जिसमें ए सॉल्यूट है और बी जो है सॉल्वेंट है, भाई हम जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो एक्स ए, कैपिटल एक्स ए, इसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी का मतलब एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इसमें एन ए जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन बी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स का एक रेशियो होता है। यदि हम लोग एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू की बात करें तो दैट इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी नीचे होगा और ऊपर भी एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, दैट गिव्स यू वन। सो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वन। इसके बाद मास फ्रैक्शंस की बात है। मास फ्रैक्शंस क्या होगा? इसको छोटा वाले एक्स ए से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। इसमें एक्स ए को बोलते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और एक्स बी का मतलब मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में रहना चाहिए, और डब्ल्यू बी का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रहना चाहिए। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट एंड द टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द रेशियो। सिमिलरली मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड द टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यदि हम बात एक्स ए प्लस एक्स बी की करें तो दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अभी आ जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और ऊपर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये कट करके वन आ जाएगा। माने एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वन।